हम प्रगति क्लासेस आए हुए हैं और देखिए यहाँ पे कई सारे सैकड़ों की संख्या में हमारी बहन यहाँ पढ़ाई लिखाई करती है और ये जो है प्रगति क्लासेस के जो बच्चे हैं जो लगातार कई सारे रिजल्ट में अपना प्रदर्शन करते हैं और इस बार भी जो एडवांस का रिजल्ट हुआ है इसी संस्थान के 3 बच्चों का बड़ा नाम हुआ है, लगातार उनकी तारीफ और चर्चा हो रही है। हम इन लोगों से बातचीत करेंगे और ये जानने समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ की पढ़ाई लिखाई कैसा पढ़ाई लिखाई है। आप बहुत बढ़िया। अच्छा, आपके बीच का 3 भाई का रिजल्ट हुआ है एडवांस में, पता है आप? हाँ। क्या कह रही हैं उनसे आप? अच्छा है। हाँ। और भी जो उनसे इंस्पायर हो, जो 12 के साथ साथ वो किए हैं इस बार रिजल्ट। हाँ। और इसे और उनसे भी अच्छा करे। हाँ, उनसे भी अच्छा करे। हाँ। उन्हें बधाई दे रहे हैं। हाँ। अच्छा, आप लोग किस चीज़ की तैयारी करते हैं? नीट की। नीट की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, डॉक्टर बनने का सपना है। हाँ। चलिए और भी कुछ बहन से बात करेंगे, आप क्या सोचती हैं कि आप तैयारी क्या चीज़ की कर रही हैं? मैं नीट का कर रही हूँ और फिर मैं यहाँ पे अभी टारगेट में हूँ। यहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है, मैं पहले भी पढ़ती थी पर मैं छोड़कर चली गई थी बीच में, तो फिर मुझे लगा कि मुझे फिर से करना चाहिए तो वापस आई, क्योंकि यहाँ पे जो होता है पर्सनल गाइडेंस मिलता है जो कि बाहर बच्चों को नहीं मिलता है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। अच्छा, पढ़ाई लिखाई का जो माहौल है वो क्या किस तरह का होता है यहाँ? पढ़ाई तो अच्छी होती है, बाहर से ज़्यादा ठीक है। हाँ। क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं तो वो डाइवर्ट भी कम होते, रिस्ट्रिक्ट कम होते, तो पढ़ते अच्छे से। अच्छा। तो जितनी सारी जो बहन है यहाँ पे, सब जो भाई लोग हैं सब डॉक्टर बनने का सपना देख रहा है? ऑफकोर्स, सभी लोग देख कर आए तभी तो यहाँ पढ़ाई करने आए। अच्छा, आप क्या चीज़ की बहन तैयारी कर रही हैं? मेडिकल की। मेडिकल की, मन लग रहा है। हाँ। अच्छा, आपके बीच का 3 भाई का रिजल्ट हुआ है इसी क्लासेस का, उनसे क्या कहना चाहती हैं? भाई से क्या कहना चाहती हैं? आगे और अच्छा करे और हम लोग उसे इंस्पायर्ड हो रहे हैं और क्या। यस। अच्छा, आप लोग उसे काफ़ी कुछ सीख रहे हैं। यस सर। आप क्या चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? जेई की। जेई की, चलिए ठीक है। और भी बहन से बात करेंगे, आपका क्या नाम हुआ? आफरीन। आफरीन जी, ये बताएं कि क्या माहौल है, क्योंकि दिन का 2 बजने को चला है और ये पूरा क्लास में बच्चों की जो भीड़ काफ़ी देखी जा रही है और लगातार जेई का मेंस का रिजल्ट हुआ है, इससे पहले नीट का भी रिजल्ट हुआ है, आप तैयारी किस चीज़ की करती हैं? नीट की कर रहे हैं। नीट की कर रही हैं। Yes. क्या पढ़ाई लिखाई का क्या माहौल है और क्या सोचती है इस क्लासेस के बारे में, आपकी क्या राय है? बहुत अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ। यहाँ पर्सनल गाइड भी होते हैं, टीचर लोग बहुत सपोर्टिव हैं, जिसके वजह से रिजल्ट हो रहा है। बाहर में ऐसा नहीं हो पाता है कि लोग इतना सपोर्टिव नहीं होते, तो यहाँ बहुत अच्छा, मेरे को लगता है यहाँ अच्छी पढ़ाई होती है और प्लस गाइडेंस भी अच्छा है। अच्छा, चलिए ठीक है। आप क्या सोच रही हैं, आप क्या चीज़ की तैयारी करती हैं? मेडिकल। मेडिकल की तैयारी करती है, डॉक्टर बनने का सपना है। पहले बहुत सारे बच्चे बाहर की पढ़ाई लिखाई पर ज़्यादा जोर देते थे, लेकिन आप लोग यहीं की हैं? हाँ, यहीं की। यहीं पढ़ाई लिखाई कर रही हैं। हाँ। रिजल्ट को लेकर क्या सोच रही हैं? अच्छा, हम भी अच्छा करें और सबको भी, मतलब कंग्रेचुलेशन कि वो लोग अपियरिंग में निकाला है इस बार। पढ़ाई लिखाई काफ़ी अच्छा यहाँ पे होता है, सब कुछ बढ़िया है? हाँ, सब बढ़िया। चलिए, सब कुछ बढ़िया। और उस तरह आप देखेंगे बोर्ड पे तो सर पढ़ा रहे हैं, हम उनसे भी बात कर लेते हैं। ये बताएं सर कि क्या माहौल क्या है यहाँ का, क्या माहौल है? थोड़ा कैमरा घुमा के दिखा दीजिए, कई सारी जो बहन यहाँ पे बैठी हुई है और ये क्लासरूम है और क्लासरूम में पढ़ाई लिखाई चल रही थी, इसी बीच हमारा यहाँ पे आना। ये बताएं कि क्या माहौल है, किस तरीके से पढ़ाते हैं और ये जो आपका जो पढ़ाने का जो अंदाज होता है वो किस तरह का अंदाज होता है? हम लोग को पढ़ाने का अंदाज जो कोटा का है वही अंदाज हम लोग का यहाँ पे है, और एक छोटे शहर में आके हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि छोटे शहर में जो व्यवस्था कोटा में मिलता है, दिल्ली पटना में मिल रहा है, वो व्यवस्था हम लोग यहाँ दें। और अब हम लोग को लग रहा है कि हम लोग उसमें 100% सक्सेसफुल हैं। यहाँ से जेई एडवांस का रिजल्ट होना वो कम बड़ी बात नहीं है, और नीट में भी हम लोग ने जो है 690 तक हाईएस्ट 2 बच्चे ने लाया है, ठीक है, इस बार के एग्ज़ाम में 720 में 690 नंबर यहाँ से लाना, छोटे शहर से इतना अच्छा स्कोर कर पाना, ठीक है, बहुत बड़ी बात है। बच्चे को बता दिया जाए कि परेशान ना हो, इजिली वे में समझ में आ जाए सब कुछ। अच्छा, बोर्ड पे क्या पढ़ा रहे थे अभी आप? बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा रहा हूँ। क्या होता आप मुस्कुरा रहे हैं, ये क्या होता है थोड़ा बताइए? बॉइलिंग पॉइंट किसी कंपाउंड को बॉयल करने टेम्परेचर देके जब बॉयल हम लोग करते हैं, जिस टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है गैसियस फॉर्म में, उसी को हम लोग बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। चलिए, तो देखिए पढ़ाई लिखाई का जो है यहाँ पे सिलसिला शुरू है और ये प्रगति क्लासेस, लगातार कई सारे एग्जाम में यहाँ के बच्चे टॉप करते हैं।
आगे लड़कियां बैठी हुई है और पीछे लड़कों का अंबार लगा हुआ है। ये सभी लोग जो यहाँ पे पढ़ने लिखने के लिए आते हैं और पढ़ने लिखने का जो यहाँ पे माहौल है वो काफ़ी अच्छा है। और इसी संस्थान का 3 बच्चा का रिजल्ट हुआ है जो अब IITian बनेंगे, बड़े इंजीनियर बनेंगे और उनका जो सपना है वो सपना पूरा होगा। बाकी बहन लोग भी यहाँ पे चेहरे पे मुस्कुराहट है, सभी खुश है, सभी गदगद है क्योंकि उन्हीं के बीच का बच्चा, उन्हीं का भाई, उन्हीं का पड़ोसी और इसी संस्थान का 3 बच्चा एडवांस के रिजल्ट में उसका सिलेक्शन हो गया। बाकी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।